सात नंबर दो गुरु, गुरु का घर है, गुरु का घर तो गुरु के कारकों में वृद्धि, गुरु के, गुरु का कारक क्या है, गुरु संतान का कारक है, भाव नंबर दो भी संतान का कारक हुआ इसलिए, ठीक है। धर्म, ज्ञान, गुरु तत्व, आध्यात्मिक, नैतिकता, भाग्य, यश, सर शिक्षा, थोड़ा धीरे, ओके, यश, शिक्षा, जो गुरु के कारक होते हैं, शिक्षा, मोक्ष, देश विदेश की यात्राएं, रिलीजियस यात्राएं, पैतृक संपत्ति मतलब एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, सकारात्मक ऊर्जा मतलब पॉजिटिव एनर्जीज, इन सब ज्योतिष और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स प्रोफेशन में हाई हाई एंड प्रोफेशंस, बी जज, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर नहीं आएगा, वो आएगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जैसी चीजें होंगी, इंजीनियर नहीं आएगा इसमें। उन सब कारकों में या दो, भाव नंबर दो गुरु का भाव है, गुरु उसका कारक प्लेनेट है, उसके अंदर वृद्धि करेगा। गुरु के जो सहायक प्लेनेट है वो भी यहाँ पे बैठेंगे तो कारक में वृद्धि करेंगे, गुरु के अगर शत्रु प्लेनेट है वो यहाँ बैठेंगे तो कारक की हानि करेंगे। गुरु के शत्रु प्लेनेट कौन कौन से हैं, गुरु के शत्रु प्लेनेट बुध और शुक्र, वो आपको टेबल से मिल जाएगा, जो आपने टेबल आपके पास है उससे मिल जाएगा, उसको आप उससे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बट अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ, बुध और शुक्र गुरु के शत्रु प्लैनेट है, शनि, राहु, केतु सब माने जाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर, और जो बाकी बच गया सूर्य, चंद्र, मंगल, ये मित्र प्लैनेट है।